विके का स्वागत है। हॉकी प्रशंसकों के लिए एक अच्छी खबर है। 7 साल लंबे अंतराल के बाद हॉकी इंडिया लीग फिर से शुरू हो रही है। इस बार पुरुष लीग के साथ महिला लीग भी आयोजित की जाएगी। लीग के मुकाबले राउरकेला और रांची में आयोजित किए जाएंगे। 7 साल के बाद हॉकी इंडिया लीग की फिर से वापसी होने जा रही है। इस बार लीग नए अवतार में दिखाई देगी। इस बार महिला और पुरुष दोनों वर्गों में लीग की शुरुआत होने जा रही है। लीग के साथ 10 फ्रेंचाइजी ओनर जुड़े हैं। पुरुष लीग में 8 टीम और महिला लीग में 6 टीम दिखाई देंगी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने कहा कि यह लीग भारत में हॉकी के प्रशंसकों की संख्या में और इजाफा करेगी। कुछ सालों में जो जीत मिली है, बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतना, अच्छे टीम को हराना, किसी भी टीम के साथ फाइट करना, जीत करने का जो कॉन्फिडेंस है जो हासिल हुआ है, तो फैंस में अभी उछाल आया है। सो अभी फैंस और भी मैच देखना चाह रहे हैं, अभी और एक्साइटिंग मैच देखना चाह रहे हैं। तो हॉकी इंडिया लीग भी हर एक टीम्स काफ़ी टफ होंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड होगी, तो फैंस डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। FIH ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी कैलेंडर में 35 दिन का विंडो हॉकी इंडिया लीग के लिए फ्री रखा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी इस लीग का हिस्सा बन सकेंगे। महिला लीग के शुरू होने से महिला हॉकी में भी जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा। वुमेन्स टीम दैट रियली एक्साइट्स मी, आई थिंक दिस लीग इज गोइंग टू डू वंडर्स फॉर द वुमेन। आई थिंक वुमेन इन स्पोर्ट, स्पेशली इन इंडिया, नीड प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस। एंड यू नो एट JSW वी हैव ऑलवेज promoted our women, and this is the time now we're looking forward in LA for the women's team's turn to win their medal. Truly believe with the success of Indian hockey over the last few years, this is going to be something special, and we're very excited to be part of it. You know, women's sports is on the rise in India at a faster pace than men's, so that's why we were very keen on buying both the men's and women's. Hockey India League ke mukable Raurkela aur Ranchi mein ayojit kiye jayenge. Raurkela mein पुरुष लीग के और रांची में महिला लीग के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी कुछ दिन बाद दिल्ली में आयोजित की जाएगी। सुचित्रा, DD News, दिल्ली।